हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो कैनरा बैंक में ऑलमोस्ट हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। गिरावट के बाद बाउंस बैक किया था, हमने डिस्कस किया था 100 और उसके ब्रेकआउट के बाद 105-106 का लेवल, जहां से रिजेक्शन लेकर बड़ी सेलिंग आई थी। मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 105 का लेवल और देख सकते हैं ऑलमोस्ट वहां तक का ही जंप आया, वहां से रिजेक्शन लेकर गिरावट आई। लेकिन इस गिरावट को नोटिस कर लो दोस्तों, क्या बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में वहाँ से रिजेक्शन के बाद? नहीं आई है। 102 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया और रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखा गया है। अब देखिए जिस तरह से बाइंग आई है स्टॉक में, क्या उतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है? मतलब बड़े पिलर्स इंटर हो चुके हैं और वो पोजीशंस को होल्ड किए हुए एग्जिट के लिए तैयार नहीं है। तो गिरावट आती है नीचे की ओर, 102 इमीडिएट सपोर्ट है और 100 का लेवल तगड़ा और मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर गिरावट आती है तो 9800 तक का फॉल दिखा सकता है, अगेन फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा। कहाँ से? 9800 का, अगर गिरावट आती है तो। लेकिन चांस बन रहा है हाईली ब्रेकआउट के, क्योंकि बड़ी सेलिंग नहीं आई, स्टॉक ने रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। तो आने वाले ट्रेडिंग डे में 105 इमीडिएट टारगेट है और इस हाई का ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए लगातार अपसाइड के लिए। अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर गया तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट टारगेट 110-112 का लेवल, और 112 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो फिर यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है। 120 तक का भी फिर जंप कैनरा बैंक में देखने के लिए मिल सकता है, फिर 120 का लेवल तगड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।